दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि कैसे अपने मोबाइल की मदद से हम ग्रो में जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वाला फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी स्टॉक का इंस्टेंट एनालिसिस करके उसे बाय या सेल कर सकते हैं। तीसरे वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ग्रो डीमैट अकाउंट से हम किसी भी आईपीओ के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप इनमें से किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, जिनकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस एज वेल एज ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रो में कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लिया जाता, यानी कि आप ग्रो में अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो। जहां लगभग सारे ब्रोकर्स एनुअली या क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, वहीं ग्रो कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेता। जी हाँ दोस्तों, ग्रो में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 0 रुपीज है। वहीं इसमें पर ऑर्डर 20 रुपीज या फिर 0.05%, दोनों में से जो भी कम होगा उतना चार्ज एज अ ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है। कुल मिला के ग्रो 0 फिक्स्ड चार्जेस एंड 0 हिडन चार्जेस वाला डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। आगे इसके रेगुलेटरी एंड लीगल चार्जेस की अगर हम बात करें तो इंट्राडे में सिर्फ सेल करने पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है 0.025%। वहीं डिलीवरी बेसिस पे बाय और सेल दोनों करने पर इसमें सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है 0.1%। इंट्राडे बाय करने पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है 0.003%। वहीं डिलीवरी के लिए शेयर्स परचेस करने पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है 0.015%। इंट्राडे में एनएससी से बाय या सेल करने पर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है 0.00345%। वहीं बीएससी पे इसका चार्ज है 0.00300%। और डिलीवरी बेसिस पर भी बाय या सेल करने पर सेम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगाया जाता है। इंट्राडे बेसिस पर बाय या सेल करने पर सेबी टर्नओवर चार्ज लगता है 0.00005%। वहीं डिलीवरी बेसिस पर भी बाय या सेल करने पर सेम सेबी टर्नओवर चार्ज लिया जाता है। इंट्राडे में बाय या सेल करने पर कोई भी डीपी चार्ज नहीं लिया जाता। वहीं डिलीवरी बेसिस पर सिर्फ सेल करने पर ट्रेडिंग डे पर कंपनी 13.5 रुपए का डीपी चार्ज लिया जाता है। आसान भाषा में डीपी चार्ज का मतलब होता है कि जो भी आपकी होल्डिंग डीमैट अकाउंट में पड़ी है, उसे जब आप सेल करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में से उन शेयर्स को बाहर निकालने के लिए यह 13.5 रुपए का चार्ज लिया जाता है, जिसे एक दिन में एक कंपनी के शेयर के लिए सिर्फ एक ही बार चार्ज किया जाता है। यानी कि अगर आप एक दिन में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके भी अगर बेचते हो, तब भी यह चार्ज उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स के लिए सिर्फ 13.5 रुपए ही लिया जाएगा। और क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें शेयर्स की डिलीवरी नहीं दी जाती, इसलिए इसमें डीपी चार्जेस नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ये ग्रो के खुद के चार्जेस नहीं है, बल्कि ये रेगुलेटरी एंड लीगल ट्रांजेक्शन चार्जेस है जो कि हम सबको पे करने पड़ते हैं। बिना इन ट्रांजेक्शंस के आप किसी भी ब्रोकर के साथ स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। आगे कुछ पेनल्टीज की अगर हम बात करें तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हो, तो हर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए 50 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाता है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग जैसी कोई चीज करते हो और टाइम पे स्टॉक की डिलीवरी नहीं लेते हो, तो एक्सचेंज द्वारा निर्धारित पेनल्टी चार्ज लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक हमने जो भी चार्जेस देखे हैं, जैसे कि ब्रोकरेज चार्ज, CDSL चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज, इन सभी पे 18% का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST कंपलसरीली देना पड़ता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली ग्रो के ब्रोकरेज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके टैक्सेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस और ब्रोकरेज का कैलकुलेशन समझा देता हूँ। ब्रोकरेज कैलकुलेटर में सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर्स की डिलीवरी लेने के लिए बाय करने पर किस तरह से चार्जेस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, NSE से हम 1000 रुपए वाले किसी एक पर्टिकुलर शेयर की 50 क्वांटिटी बाय करते हैं,
तो यहाँ पे जो हमारी टोटल ऑर्डर वैल्यू बनेगी वो होगी 50 × 1000 यानी कि 50,000 रुपीज, जिसपे ग्रो अपना ब्रोकरेज चार्ज करेगा 20 रुपीज, रेगुलेटरी चार्जेस में 0.1% के एसटीटी चार्ज के हिसाब से 50,000 रुपए के बनते हैं 50 रुपए, 0.00345% के एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज के हिसाब से लगेंगे 1 रुपी एंड 73 पैसा, 0.00005% के हिसाब से यहाँ सेबी चार्ज बनेगा 3 पैसा। इन तीनों रेगुलेटरी चार्जेस का 18% के हिसाब से जीएसटी बनता है 3 रुपीज एंड 91 पैसा और 0.015% के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी बनती है 7.5 रुपए। इस हिसाब से दोस्तों ग्रो का ब्रोकरेज चार्ज और रेगुलेटरी चार्जेस को मिला के टोटल चार्ज बनता है 83 रुपीज एंड 17 पैसा, यानी कि यहाँ 50,000 रुपए की शेयर्स की खरीदी के लिए हमें टोटल पे करना पड़ेगा 50,083 रुपीज एंड 17 पैसा। चलिए अब देखते हैं कि इक्विटी डिलीवरी को सेल करने पर टोटल चार्ज किस तरह से लगाया जाता है। मान लीजिए एनएससी पर किसी एक पर्टिकुलर शेयर की 50 क्वांटिटी हम 1000 रुपीज पे सेल करते हैं, तो यहाँ भी हमारी टोटल ऑर्डर वैल्यू होगी 50 × 1000 यानी की 50,000 रुपीज। इक्विटी डिलीवरी सेल करने पर भी ग्रो अपना ब्रोकरेज चार्ज लेगा जो कि है 20 रुपीज, रेगुलेटरी चार्जेस में 0.1% के हिसाब से एसटीटी चार्ज बनेगा 50 रुपए, 0.00345% के हिसाब से एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज बनेगा 1 रुपी एंड 73 पैसा, 0.00005% के हिसाब से सेबी चार्ज बनेगा 3 पैसा और इन तीनों रेगुलेटरी चार्जेस पे 18% के हिसाब से जीएसटी बनेगा 3 रुपीज एंड 91 पैसा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्विटी डिलीवरी को सेल करने पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई जाती, इस हिसाब से यहाँ ग्रो के ब्रोकरेज और रेगुलेटरी चार्जेस को मिला के टोटल चार्जेस बनता है 75 रुपीज एंड 67 पैसा, यानी कि जैसे ही मैं यहाँ 50,000 रुपीज के अपने डिलीवरी वाले शेयर्स बेचूंगा तब मुझे जो एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगी वो होगी 49,924 रुपीज एंड 33 पैसा। दोस्तों यहाँ एक चीज का खास ध्यान रहे कि 13.5 रुपए का डीपी चार्ज यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसने 100 रुपए वाला एक पर्टिकुलर शेयर 10 की क्वांटिटी में बाय किए हैं, जिसकी टोटल ऑर्डर वैल्यू होती है 10 × 100 यानी कि सिर्फ 1000 रुपीज, तो यहाँ जो ब्रोकरेज अमाउंट ग्रो चार्ज करेगा वो होगी सिर्फ 50 पैसा, क्योंकि यहाँ 20 रुपीज या 0.05% दोनों में से जो भी कम होगा वही चार्ज लिया जाता है और बाकी रेगुलेटरी चार्जेस को मिला के जो टोटल चार्ज बनता है वो है 1 रुपी एंड 78 पैसा, यानी कि 1000 रुपए के शेयर्स की खरीदी पे जो आपको टोटल वैल्यू पे करनी है वो बनती है सिर्फ 1001 रुपी एंड 78 पैसा, जो कि छोटी छोटी क्वांटिटी में शेयर्स परचेस करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही सूटेबल है। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे चार्जेस के बारे में। इंट्राडे में अगर आपने एनएससी से 1000 रुपए वाले 1000 शेयर्स परचेस किए और फिर उन्हें 1500 रुपए में बेच दिए तो यहाँ आपका टोटल टर्नओवर हुआ 25 लाख रुपए का, क्योंकि आपने यहाँ 10 लाख रुपए की बाइंग की और 15 लाख रुपए की सेलिंग। इस पे ग्रो जो अपनी ब्रोकरेज चार्ज करेगा वो होगी 40 रुपीज, रेगुलेटरी की तरफ से एसटीटी चार्ज लगेगा 375 रुपीज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा 86 रुपीज एंड 25 पैसा, सेबी का चार्ज लगेगा 1 रुपी एंड 25 पैसा। इन तीनों चार्जेस का 18% के हिसाब से जीएसटी चार्ज बनता है 22 रुपीज एंड 73 और यहां स्टैम्प ड्यूटी लगेगी 30 रुपीज। इस हिसाब से यहाँ ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन का टोटल चार्ज बनता है 555 रुपीज एंड 23 पैसा, यानी कि जो हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसमें से हमें जो एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगी वो होगी 4,99,444 रुपीज एंड 77 पैसा। तो दोस्तों इस तरह से डिलीवरी और इंट्राडे बेसिस पे ये सारे चार्जेस लगाए जाते हैं।
अब अगर आप खुद से ब्रोकरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस ब्रोकरेज कैलकुलेटर की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ आपको ग्रो की ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।